بسم الله الرحمن الرحيم. कहते जी कि हम अपने घर की बैठक में बैठे होते हैं, बरेली हजरात जो जुलूस निकालते हैं मीलाद का, वो कहते हैं आज जो लोग घर में बैठे हुए हैं वो इबलीस हैं। नऊज़ु बिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माफ करे, दुआ करो अल्लाह उनको हिदायत। बस क्या कह सकते हैं, यही कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। पाकिस्तान में लोग जो हैं अब जश्न मनाते हैं, हजूर की विलादत का भी, अबू तालिब का भी अब जश्न मनाते हैं, कहते हैं वो भी पैगंबर थे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊ, वो मुसलमान नहीं था, ये नबी बना रहे हैं उसको। खुदा खैर करिए कहीं अबू जहल का ना बना दें, उसका भी जश्न न मनाना शुरू कर दें। वो हमारे बुजुर्ग थे, फौत हो गए, मौलाना अब्दुस्सत्तार तौसी रहमतुल्लाह, अल्लाह उन कब्र पर रहमत करे। तो कभी कभी कहते थे मौलवी मक्की साहब, हमारे लोग इतने सीधे साधे और बेचारे अंधी मोहब्बत के मुब्तला हमारे लोग हैं, अगर अबू जहल और अबी लहब भी आ जाए ना जिंदा होकर, उसको भी नज़र पेश करेंगे, चलो हुजूर के रिश्तेदार तो हैं ना, ये शुक्र है कि वो मर गए इधर नहीं आए। हुजूर पूरी दुनिया के लिए नूरे हिदायत बन के उतरे हैं, तो उनकी विलादत पे हम खुशियां ना मनाएं? विलादत पे खुशियां मनाते हो तो जब कुरान उतरा उस दिन खुशियां क्यों नहीं मनाते हो? जब हजूर ने हिजरत की उस दिन खुशियां क्यों नहीं मनाते हो? जब बदर में फतह हुई तो उस दिन खुशियां क्यों नहीं मनाते हो? जब मक्का फतह हुआ तो उस दिन खुशियां क्यों? ये सारी खुशियां उन्होंने खुद घड़ी हुई हैं, उस वक्त तो आप नबी भी नहीं थे, नबी नबूवत तो 40 साल के बाद मिली। बारह रबी अव्वल को कुछ लोग हलवा मीठा या नमकीन बनाते हैं, बिदत। देखिए एक उसूल याद रखो, बात को समझा करो। 12 रबी अव्वल को पहले तो ये बात ही सही नहीं है कि हजूर पैदा हुए। अब कंप्यूटर का ज़माना है, कोई आदमी जो कंप्यूटर का माहिर हो वो बैठ जाए तो 2000 साल की तारीखें भी निकाल सकता है। वो निकाले भी आज से 1400 साल पहले 12 रबी अव्वल को सोमवार का दिन बनता है, वो तो सोमवार का दिन ही नहीं है, हजूर तो 9 रबी अव्वल को पैदा हुए हैं। 12 रबी अव्वल को हजूर की वफात हुई है, वफात में खुशियां मना रहे हैं। एक जिद है, उसका क्या इलाज है? जलसा रखना अलग बात है, मीलाद बनाना और जुलूस निकालना और रोजे की शक्ल बनाना ये अलग बात है। उलमा ने इसीलिए उस दिन सीरतुल नबी के जलसे रखते हैं ताकि लोग उस बिदअत से बच के हजूर की सही सीरत सुने। मेरा दोस्त है, अब 5 साल से मदीने में है, घर नहीं जा सकता, अल्लाह उसकी मुश्किलात हल करे। क्या कोई मर्द बीवी की ख्वाहिश पर या अपनी मंशे से सीने के बाल साफ कर सकता है? कर सकता है, कोई मना नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह वो फिर कांटे बन के निकलेंगे। एहराम की हालत में सिगरेट पीना डबल हराम है। अगर कुर्बानी के बड़े जानवर में हम अकीके दो हिस्से रख लें, ठीक है, कोई बात नहीं,